हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। टाइम हो गया है 9 o'clock, उठे हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ दर्द हो रहेगा, यहाँ पर वो रात को ढोकला खा लेता ना, मुझे लग रहा है उससे थोड़ी सी दिक्कत हो गई। एसिडिटी हो सकती है, पता नहीं, रात को भी होगा था अचानक से, और अब भी कुछ काम कर रही हूँ तो यहाँ पर दर्द हो रहेगा। देखते हैं कितनी देर होता, नहीं तो कुछ करते हैं उपाय। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे, मिलते रहते हैं पूरा दिन, मिलते रहते हैं, क्या करें। कुछ तो आज हमको फैक्ट्री जाना है, फैक्ट्री जाना है, नहीं जाना, पक्की बात, छुट्टी है, घूमने चले। आपने पिछले व्लॉग देखे होंगे कि मेरी फेवरेट सब्जी तो बनाते ही नहीं हो, मेरी फेवरेट सब्जी तो बनाते ही नहीं हो। तो कल जाके उसके लिए भिंडी लेकर आए थे, अब आज भिंडी भिंडी खिलाएंगे। भिंडी बना भिंडी खिलाऊंगी, पूरा दिन भिंडी खिलाऊंगी आज इसको, पूरा दिन भिंडी खाता रहेगा। उठ जा भाई, गुड मॉर्निंग कर दे सबको। क्या कह रहा है? दूध लाओ पहले। दूध लाओ पहले? अरे कर दिया भाई, लाओ ठंडा तो होने दे। देख लिया, दूध लाओ पहले, दूध के बगैर तो बटेरी खुलती ही नहीं है इसकी। टाँ 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 टाँ। ला रहे हैं भाई, ला रहे हैं, हम आपका दूध ला रहे हैं। एटलीस्ट से गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखो ये कितना जगा हुआ है, सुन सब रहा है, लेकिन उठेगा तब तक नहीं जब तक दूध इसके आगे नहीं होगा। और मैं कहूँगी ना कहना दूध, तो ये फ़ौरन ऐसे उठ जाएगा, रोबोट के तरह से कड़क कड़क देने से। कनक के लिए दूध गर्म कर दिया, आज मैं पपीता काट रही हूँ उनके लिए, कल लेकर आए थे, और कनक के लिए भिंडी बनेगी। अब जी कब से विशु को उठा रही है कि तेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, और ये रहा विशु और ये उठ के नहीं दे रहा है। 8 बजे से उठा रही है, हम उठ गए, पर जिसका एग्जाम है वो नहीं उठ रहा है। तेरा एग्जाम है या नहीं है? कितने बजे है? 9:30 है बस। अब यशि गुड मॉर्निंग, आप आ गए, नींद कैसी है रात को है? ये क्या अपना व्लॉग देख रहे हो? कनव के और उसके डैडी की लड़ाई हो रही है, क्योंकि कनव कह रहा है कि मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, और पता नहीं ये क्या कर रहा है। फोड़ दूं। ये जो बबल वाला हमने मनाली से लिया था, ये उससे हो रहा है। तालियां बजा मेरे लिए, तालियां जय जय। चिल्ला क्यों रहा है? मारी भी लाओ। अपना एक्सपेरिमेंट फेल हुआ नहीं है। बड़े माँ को भी दिलाई हूँ। फुला रहे हो, क्या कर रहे हो, मंत्र फूंक रहे हो? ऐसा लगता है वो जैसे करते नहीं है। जितना बड़ा फुला दिया था दिखा नहीं। तो गाइस टाइम हो गया है 1:20। फाइनली हमने 12 बजे लंच किया था, सुबह 8 बजे उठने के बाद भी 12 बजे लंच, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। देखो क्या ना, तो नहा रहे थे ना कुछ, भी काम कर रहे थे, बस मस्ती करे जा रहे थे। वो देख 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 देख, एक तरफ से बलून बन गया, रुक जा रुक जा, छोड़ वो उस साइड से। तो अब हो गए हैं 1:20 और कनव कर रहा है अपना एक्सपेरिमेंट। ना वैसे तो कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, पर पता नहीं फिर से सर मदद क्यों हो गया, रोज हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा। रात को तो लेट भी हो रहा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में टाइम लगता है 2-3 घंटे, रात को 1-2 बज जाते हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि घुमा के लेकर आओ। पर कनव कह रहा है चलो नानी, कनव कह रहा है हर्षा मौसी के घर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 डॉग्स हैं ना, एक हस्की है, और ये कह रही हैं चल नांगलोई चलते हैं, पापा के पास मिल के आते हैं। मैं कह रही हूँ मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोने दो थोड़े देर। अब देखते हैं कौन जीतता है, किसकी डिमांड पूरी होती है। मुझे 1 घंटा नींद चाहिए बस दोपहर में, उसके बाद चाहे जितना मर्जी काम करा लो, लेकिन अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मुझे 1 घंटा जरूर जरूर सोना है। तो गाइज मैंने तो ले लिया फाइनली एक डाइक्लोवेन की गोली, एडिक बंद नहीं हो रहा था। और ये देखो कैसे मुंडी इधर उधर लड़का रहे हैं, ट्यों 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 ट्यों, पता है क्या कर रहे हैं? टाइम क्या हो गया, 3:30 बज गए हैं, अभी ना इंतजार कर रहे हैं कि कब चाय बनाए और मैं चाय पीऊँ। मैं इनको कह रही हूँ आप चाय बना रहे हो क्या? कह रहे मैं तेरी बाट देख रहा हूँ, तू कब चाय बनाएगी।
पौने तीन हुए हैं। अच्छा चलो पौने तीन हुए हैं। इनका मन कर रहा अपने ससुराल जाने का, मेरा मन नहीं कर रहा अपने मायके जाने का। विचित्र घटना हमेशा ऐसे होता है। ये कहते हैं चल चले, मैं कहती हूँ क्या करें, चल के एक घर से जाके दूसरे घर में बैठ जाना है, क्योंकि ये जाके ना पापा से बातें करने जाते हैं न्यूज पे पॉलिटिक्स पे। मैं क्या करूँ, मेरा मन तो घूमना नहीं कर रहा है। एक दो दिन के लिए बाहर, दिल्ली से बाहर, मतलब शिमला गए थे वो, क्या मतलब दिल्ली के अंदर था? मेरे को तो बाहर जब मर्जी ले चलो, वो माने उसके लिए मैं आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी। मेरा बैग पैक रहता है हमेशा, इतने तो कपड़ों का बजट है मेरे पास। कपड़ों का बजट? हाँ, एक दिन नहीं मुझे ले तो स्पेयर में इतने कपड़े रहते हैं कि फटाफट उठ के चल दो। तो मैं इनसे बहुत देर से पूछ रही हूँ, आपको अपने ससुराल जाना है? ये कह रहे हैं हाँ जाना है। आपको चलना है झुमरी तलैया? झुमरी तलैया? हाँ। झुमरी तलैया नहीं जाना मेरे को। कहाँ लेके चलोगे? ऐसा कुछ चाय बना लो पहले। मैं कह रही हूँ आप बना लो यार, चाय बना दो, कड़क सी चाय बना दो आज। मैं ना मम्मी के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ, तो आप इतने चाय बनाओ, मैं दवाई लेके आ रहा हूँ। ओके मैं चाय बना दूँ। कभी ठंड लग रही है कभी गर्मी लग रही है, मौसम ने फिर के रखी है मेरे साथ। तो मैं तभी तो कह रहा था मेरे ब्लैंकेट दे दो ओढ़ने के लिए। ठीक है, ये टेबल के नीचे घुसने आई है कल की तरह। सारे के सारे अब भी नानी हाउस जा रहे हैं। बाय। परी की नानी भी कल आई थी, आज कनव अपनी नानी के हाउस जा रहा है, और धानी ऐसी भी अपनी नानी के हाउस जा रहे हैं, मम्मी भी अपने घर जा रही हैं। और सोफी कह रहे सब चले जाओगे, मैं किसके साथ रहूंगी? ऊपर ऊपर बाहर नहीं, सोफी ऊपर, सोफी चल गया। वो कह रहे सारे नानी हाउस जा रहे हैं, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? उसको पता है बाहर जा रहे हैं। सोफी कम कम चल 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 ऊपर ऊपर ऊपर, वो जाएगी नहीं। सोफी इधर, ओए मेरा रसगुल्ले इधर, चल ऊपर ऊपर ऊपर, देख लग जाएगी। चलो चलो हट जाओ चलो करो तू इधर, चलो जल्दी आओ, चलो और यहाँ इधर चलो, देखो क्या की टेबल पे इतने मशगूल हो रहे हो कि मास्क नहीं पता कहाँ गया। जानी बाय बाय। कहाँ खड़ी कर रखी है? सो फाइनली अब टाइम हो गया 5:00 और हम जा रहे हैं कनव की नानी हाउस, यानी कि मेरे मम्मी पापा के घर। चल दिए हैं नांगरोई के लिए, और ये देखो यहाँ पे हमारे त्रिनगर में शंकर चौक पे फ्लैग। Here we go, making really on, getting icy zone, flexing. I've been swerving, make it trendy, we look sexy. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing. I've been swerving, make it trendy, we look. और ये परशुराम चौक पे परशुराम जी की तस्वीर। लोग अर्पण हो रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे भी लगाया है? कितना लगाया दिल्ली में? लगभग ये 600 बता रहे हैं। 600 लग गई है, 600 का टारगेट है, 600 लग गए। अब लगे या नहीं लगे ये तो गवर्नमेंट बताए, ये केजरीवाल जी की सरकार है वो बताएंगे। वैसे कई जगह मैं देख चुका हूँ लग चुके हैं, 600 तो लग चुके हैं। चेक कर लो कौन से रूट पे ट्रैफिक नहीं है। रानीबाग वाले से जाएंगे। शंकर चौक पे तो गाड़ियाँ मुड़ने की भी दिक्कत होगी, बिल्कुल उस पर गोल चक्कर पे लगा दिया, जहाँ दिक्कत ना होती ऐसी जगह लगाते हैं। जैसे
सैटरडे। सो देयर इज अ गुड न्यूज, कल कनव के मामा की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर आ रही है, स्कूटी ट्रायल के लिए भी। आगे नानू भी आगे कैमरा में दिख रहा है। ऑफिस आएंगे अभी। तो गाइस टाइम हो गया है 10:30 और हम वापसी के लिए निकल चुके हैं अपने घर त्रिनगर के लिए। व्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा क्योंकि घर में बातें करने में सब बिजी हो गए, इसलिए सपूरपुर की लाइटें हैं तिरंगा स्टाइल में, तिरंगा कलर में। चल चलो पर चल 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 तू 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 आ था पर अपना आ जाएगी वो नहीं आई। आओ फूफी आ ले चिज्जी चिज्जी आ कना तू इधर प्यारी प्यारी शोफी ए शोफी 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 कावा तो गई चिज्जी चाहिए चिज्जी चाहिए कहाँ टकरा है मुंह पे लग रहा है हटा दो जल्दी से नहीं तो ये निकल लेगी। कहाँ है अरे ये लो ना आराम से बता दे वो लटक रहा उधर बस नहीं है लग रहा है अभी भी दिखाइयो शिट शिट सोफी क्या बात है क्या बात है टेबल के नीचे नहीं घुसना नहीं काटी मत करियो खेल रही हो चेक कर रही है हाँ। चेक कर रही है मैं कहाँ से घूम के आई हूँ कर ले चेक कर ले चेक पैर मत चाट कुछ हो रही है मेरे को पानी दो तो गाइस टाइम हो गया है 11:40 अब हम कर रहे हैं इस व्लॉग का एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स टू ऑल।